नमस्कार दोस्तों, सेविंग फंड यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आप भी कुछ पैसा जमा करके है जो एक बड़ा रिटर्न पाना चाहते हैं, तो दोस्तों LIC के अंदर आपको ये ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। LIC के अंदर कई अलग अलग तरह की स्कीम्स चलाई जाती है, जिसमें कि एंडोमेंट्स प्लान्स होते हैं, लाइफ प्लान्स भी होते हैं, और इसमें से दोस्तों कुछ म्यूचुअल फंड प्लान्स भी होते हैं। LIC म्यूचुअल फंड के नाम से दोस्तों LIC म्यूचुअल फंड चलाए जाते हैं, उसी में से एक म्यूचुअल फंड है जिसका नाम है LIC MF लार्ज एंड मिड कैप फंड। ये एक दोस्तों ऐसा फंड है जिसने ओवरऑल 12% के जो रिटर्न्स है वो प्रोवाइड कराएं, यानी जब से ये फंड शुरू हुआ है तब से लेकर आज तक इसने 12% के जो रिटर्न्स को मेंटेन किया है। वहीं अगर हम 5 साल के रिटर्न की बात करें तो दोस्तों 10% से भी ज़्यादा के इसने जो रिटर्न्स है वो दिए हैं। 3 साल के इसके जो रिटर्न्स हैं वो 19.46% के हैं। पिछले 1 साल में इसने है जो 3% के रिटर्न्स प्रोवाइड कराएं, और अगर हम दोस्तों बात करें पिछले 1 महीने की तो इसने 5% के जो नेगेटिव रिटर्न्स दिए हैं। अब दोस्तों इस फंड के अंदर हम कुछ पैसा जमा करके इनकम कैसे स्टार्ट कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड में दोस्तों अक्सर आपने सुना होगा कि अगर हम म्यूचुअल फंड के अंदर मंथली बेसिस पर थोड़ा थोड़ा पैसा जमा करते हैं तो इसे सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान कहा जाता है। तो हम फाइनली दोस्तों 5 या 10 साल बाद कितने टाइम तक की जो अपनी SIP है वो चलाते हैं तो आपको फाइनली एक बड़ा अमाउंट मिलता है। दूसरी तरफ आप दोस्तों लमसम एक इन्वेस्टमेंट करके भी छोड़ सकते हैं। इसमें दोस्तों जो मंथली इनकम वाला प्लान होता है वो दोस्तों लमसम इन्वेस्टमेंट के हिसाब से ही होता है, यानी आपको लमसम अमाउंट इन्वेस्ट करके दो ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। या तो आप अपने जमा पैसे को ऐसे ही छोड़ दें, जितना रिटर्न आपका म्यूचुअल फंड आपको प्रोवाइड कराएगा उसी रेशियो से आपके म्यूचुअल फंड की जो ग्रोथ है वो होती रहेगी। दूसरी तरफ में होता यह है कि अगर आपने लमसम अमाउंट इन्वेस्टमेंट कर दिया, फिर लमसम इन्वेस्टमेंट करने के बाद हम चाहें तो अपने मंथली खर्चों को पूरा करने के लिए कुछ पे आउट चूज़ कर सकते हैं। उसका एक एग्जांपल जैसा हमने अभी देखा है, ओवरऑल इस फंड के जो रिटर्न्स है वो 12% के हैं। मान लीजिए दोस्तों आप इसके अंदर 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करके छोड़ते हैं और 5 लाख रुपये पर आप 4,000 रुपये का जो मंथली पे आउट लगाते हैं, तो दोस्तों इस केस में क्या होगा, अब ओवरऑल इसके जो रिटर्न्स है वो 12% के हैं। तो हम यहाँ पर मान के चल रहे हैं कि आगे आने वाले टाइम में अगर ये फंड 11% के भी रिटर्न्स देता है तो 5 साल के बाद में दोस्तों हमारा 5 लाख रुपये वो बढ़कर यहाँ पर 5,28,000 रुपये हो जाएगा, और जो टोटल विड्रॉल हर महीने 4,000 रुपये से हम लेंगे वो दोस्तों 5 साल में 2,40,000 रुपये होगा। अगर हम एक तरीके से देखें तो इस 5 लाख रुपये ने हमें दोस्तों 2,40,000 रुपये की कमाई करके दे दी, और 5 लाख रुपये जो हमने जमा किया था, डिपॉजिट किया था, वो एज इट इज हमारा बना हुआ है। अब भी दोस्तों आप इस पैसे को किसी तरह से मान लो इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो ये हमें 12% के रिटर्न दे देता है, तो उस केस में जो टोटल विड्रॉल आपका हुआ 4,000 रुपये मंथली के हिसाब से वो 2,40,000 रुपये होगा, और फाइनल वैल्यू जो होगी हमारे फंड की 5 लाख रुपये के अगेंस्ट वो दोस्तों 5,59,000 रुपये की होगी। अब ये ज़रूरी नहीं है कि दोस्तों कि आप इसमें 5 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट करें, आप चाहे तो इसमें 50,000 का भी कर सकते हैं, 1 लाख भी कर सकते हैं, 2 लाख भी, या फिर इससे ज़्यादा का भी आप अपना जो इन्वेस्टमेंट है वो कर सकते हैं। इनमें दोस्तों ध्यान रखने वाली 2 से 3 चीज़ें। पहली बात, आप जब भी मंथली विड्रॉल लगाएं तो इस पूरे प्रोसेस को SWP प्लान यानी कि सिस्टमेटिक विड्रॉल प्लान कहा जाता है म्यूचुअल फंड में, जो हमें मंथली इनकम प्रोवाइड कराता है। तो जब भी आप SWP चुन रहे हो तो आपको या तो ब्लू चिप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड चुनना है, या फिर लार्ज कैप कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसको सेलेक्ट करना है, या फिर दोस्तों यहाँ पर हाइब्रिड कैटेगरी का जो म्यूचुअल फंड है उसको यहाँ पर चूज़ करना है, क्योंकि तीनों तरह के जो म्यूचुअल फंड होते हैं इनमें दोस्तों होल्डे बहुत कम देखने को मिलती है। सपोज अगर शेयर मार्केट में गिरावट आती है तो इस फंड के अंदर इतनी गिरावट देखने को नहीं मिलती। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि जो भी पैसा आप इन्वेस्टमेंट करें उस पैसे का आपको 0.7 या फिर 0.8% का ही विड्रॉल के रूप में लगाना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने 1 लाख रुपये का इन्वेस्टमेंट किया है तो आप 700 रुपये या फिर 800 रुपये का पे आउट लगा सकते हैं। इससे क्या होगा, आप जो भी पैसा इन्वेस्टमेंट करेंगे उस पैसे में किसी भी तरह का कोई भी संकट नहीं आने के चांसेस है जो ज़्यादा होंगे, क्योंकि अगर वो फंड मान लीजिए 10% के ही रिटर्न्स प्रोवाइड करा देता है तो आपको मंथली इनकम होती रहेगी और आपके इस फंड की जो ग्रोथ है वो भी होती रहेगी। आपने जो दोस्तों पैसा इन्वेस्टमेंट किया है उसमें भी आपको है जो इंक्रीमेंट देखने को मिलेगा। अब मान लीजिए एक पर्टिकुलर रिटर्न्स के बाद में जो भी ऊपर वो रिटर्न करवाता है तो उस केस में क्या होगा कि आपको इनकम तो उतनी होगी लेकिन आपके फंड की जो ग्रोथ है, वैल्यू है, वो बढ़ती चली जाएगी, यानी जो एक्स्ट्रा अमाउंट है वो आपके फंड में ऐड होता चला जाएगा। अब इसके अलावा दोस्तों आप जब भी इन्वेस्टमेंट करें तो लॉन्ग टर्म ऑप्शंस के हिसाब से ही लेकर चलें, और इसके साथ साथ दोस्तों यहाँ पर आप मिनिमम 5,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और मैक्सिमम आप चाहें जितना पैसा है जो इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं।
मान लीजिए आप इस फंड के अंदर 15 लाख रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 15 लाख रुपए पर आप विड्रॉल कितना 12,000 रुपए का लगा सकते हैं 8.1% के हिसाब से। तो 12,000 रुपए का दोस्तों आपने विड्रॉल लगा दिया और अगर ये हमें 12% के रिटर्न से प्रोवाइड करा देता है आगे आने वाले टाइम में, जिस तरह से इसने पिछले 5 सालों में रिटर्न्स प्रोवाइड कराए हैं, उस केस में हमारा 15 लाख रुपए बढ़कर 5 साल में हो जाएगा 16,80,000 रुपये और 7 लाख रुपए का है जो विड्रॉल यानी मंथली इनकम के रूप में है जो आपको मिल जाएगा 12,000 रुपए के हिसाब से। आपका जितना बजट है आप उस हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। अब दोस्तों ये इन्वेस्टमेंट किस तरह से कर सकते हैं, इस इन्वेस्टमेंट को करने के लिए आप अपना डीमैट अकाउंट ओपन करके भी कर सकते हैं या आप LIC म्यूचुअल फंड की ऑफिशियल वेबसाइट के ऊपर जाकर भी कर सकते हैं। LIC के दोस्तों इस फंड का नाम है LIC म्यूचुअल फंड लार्ज एंड मिड कैप फंड। दोस्तों वीडियो पसंद आया तो वीडियो लाइक करें, साथ ही इसी प्रकार की सेविंग और इन्वेस्टमेंट की लेटेस्ट वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।